वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगन न्यूज 24। बड़वानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर जन औषधि दिवस मनाया गया, पहुंचे कैबिनेट मंत्री व सांसद। बड़वानी जिला मुख्यालय स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर 7 मार्च को जन औषधि दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी निक्कू चौहान, अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जन औषधि दुकान से शासन का मुख्य उद्देश्य जेनरिक दवाइयों के उपयोग को बढ़ावा देना, उच्च गुणवत्ता युक्त दवाइयों को कम दर मूल्य पर उपलब्ध किया जाना है, जिसके कारण मरीजों को उचित उपचार में दवाई गोलियों के माध्यम से सहायता मिल सके। जहाँ मौजूद लोगों के द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश बड़वानी ब्यूरो, महेंद्र सोनवाड़े की खास रिपोर्ट। पधारे हैं, उनका स्वागत प्रेरणा जी कर रही हैं। आज ही हमारे बीच अर्जुन जी भाई साहब, जिला प्रचारक जी मौजूद हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाओं में ये सबसे बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, और उसका सेलिब्रेशन हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस के रूप में। और पब्लिक के लिए मैसेज दिया जाता है कि एक बार आए और केवल एक बार आके देख ले, यहाँ पर सारी मेडिसिन, बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी, लंग्स, इवन कैंसर की मेडिसिन भी जो डॉक्टर्स लिखते हैं उसी के सेम फार्मूले में सरकार ने अवेलेबल कराई है। करीब 1700 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और 1000 इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। सारी मेडिकल के नाम पे सारी योजनाएं हैं उनकी, और ये सुविधाएं दी है उन्होंने। आज के कार्यक्रम में कौन कौन पधारे थे? आज के कार्यक्रम में माननीय सांसद महोदय गजेंद्र सिंह जी पटेल, ये मंत्री जी प्रेम सिंह जी पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ये बलवंत सिंह जी पटेल ये, और नगर पालिका अध्यक्ष मैडम अश्विनी निकू चौहान जी ये सभी पधारे हैं ये, इवन जिला पंचायत उपाध्यक्ष अपने संजू बाबा और सभी बड़वानी के। अच्छा, ये दुकान कहाँ पर स्थित है? ये बड़वानी में रणजीत क्लब के पीछे अर्जुन कारज भवन है, अर्जुन कारज भवन के बाहर ही है। सर, खुलने का समय क्या और कब रात्रि में कब बंद होगी? ये सुबह 10 बजे चालू होती है और रात को करीब 10 बजे तक खुली रहती है। अच्छा, कुछ आकस्मिक रूप से कभी जरूरत पड़ी बाहर से आया तो उनके लिए क्या सुविधा है? तो मेरा बोर्ड पे हमेशा नंबर अवेलेबल रहता है, कभी भी कोई भी रिंग करके बोल सकता है कि मेडिसिन, मैं पास में ही रहता हूँ, मैं तत्काल उपलब्ध करा सकता हूँ।